कवरेज लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं, हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, लेकिन किस तरीके का मुकाबला नजर आ रहा है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर वोटर्स पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर। दीपाली, बिल्कुल। तो आज पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। जो वोटर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक देखा जा रहा है वो काफी ठीक लग रहा है। धीरे धीरे हालांकि दोपहर हो रही है और ऐसे में वोटर्स और निकलेंगे, शाम तक बताया जा रहा है ये वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेंगे। तो आज पहले दौर की जो जंग है वो लगातार जारी है और सुबह से ही जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से, सीईओपी यूके की खबर का बड़ा असर हुआ है। बूथ संख्या 123 की ईवीएम खराब का मामला सामने आया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बदलवाई है ईवीएम। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया है जिला प्रशासन। ईवीएम खराब होने की वजह से घंटों तक रुका रहा था मतदान। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर हुआ है और आखिरकार ईवीएम को चेंज किया गया है और अब फिर से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफी देर तक हालांकि बाधित रहा था मतदान क्योंकि ईवीएम खराब हो गई थी बूथ संख्या 123 की, जिसको प्रमुखता से दिखाया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने और उसके बाद अब इसका असर हुआ है और प्रशासन ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजवीर चौधरी जुड़ गए हैं। राजवीर, ईवीएम खराब का जो मामला था, इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया, उसका असर भी हो गया है, आप सब कुछ ठीक ठाक सुचारू रूप से चल रहा है? जी बिल्कुल, मशीन लगभग खराब हो गई थी, उसके बावजूद यहाँ घंटों तक जो है मतदान प्रभावित रहा, बंद रहा पूरी तरीके से। और ये गांव है बिजनौर लोकसभा का गांव है ये खान जहांपुर बहादुरपुर गांव है ये, जहाँ बूथ संख्या 123 है ये। इस पर सुबह से ही मशीन गड़बड़ कर रही थी, ग्रामीणों ने काफी शिकायत की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब इस मामले को जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया तो अफसरों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उन्हें फटकार लगाई और तत्काल उसे मशीन को बदलवाने का काम यहां पर किया गया है। लेकिन यहां पर घंटों तक मतदान जो है प्रभावित रहा, उसके बावजूद अब जो है मशीन बदलवाने के बाद अब मतदान शुरू हुआ है। ग्रामीण अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है, वो आपको जरा बता देते हैं। ऐसे में कैराना की अगर बात करते हैं 1 बजे तक जो प्रतिशत रहा है वो 37.92% मतदान रहा है। वहीं सहारनपुर की बात करें तो 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 42.35% रहा है। तो पीलीभीत में 1 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 38.48% रहा है। वही बिजनौर में 1 बजे तक का जो मतदान है वो 35% मतदान रहा। राजवीर हमारे साथ लगातार बने हुए। राजवीर, 1 बजे तक का मतदान सामने आ चुका है, कैसा बिजनौर में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है? आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 35% बिजनौर में और लगभग 34% नगीना लोकसभा में मतदान हुआ है। क्योंकि दोपहर का समय है, गर्मी है, धूप है काफी, तो लोग अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। लेकिन ये सुबह से ही, मैं आपको बता दूं बिजनौर जिले में जो बिजनौर लोकसभा है ये सुबह से ही यहाँ पर बहुत धीमी गति से मतदान यहाँ पर लोग कर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है कि लोग वोटर घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक 35% यहाँ पर जो है मतदान हुआ है। अभी शाम तक 6 बजे तक का समय है, देखते हैं कि अभी क्योंकि 2-3 बजे तक अभी गर्मी की वजह से जो है परसेंटेज में कमी रहेगी, हो सकता हो शाम होते होते मत प्रतिशत यहाँ पर बढ़ जाए, लोग अपने घरों से निकले। जी मीडिया लगातार सुबह से ही अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में इस बार वोट डालने को लेकर रुझान बहुत कम है, उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, शुक्रिया आपका राजवीर जानकारी के लिए। तो अभी सूरज सर पर है और दोपहर का वक्त है, कड़ी धूप भी हो रही है, तो लोग थोड़ा बच रहे हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उम्मीद है कि शाम होते होते ये आंकड़ा और बढ़ेगा और जो पिछला रिकॉर्ड रहा था वो भी टूट जाएगा। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त शिवाजी सरकार जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप आज के पहले फेज को देख रहे हैं और अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल आया है उसको लेकर आपका आकलन क्या कह रहा है? मैं मानता हूँ कि 35% वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर सुबह के दौरान 35% आ जाते हैं इसका मतलब कि वोटिंग टोटल वोटिंग 70% से कहीं ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है और इसके लगता है कि जो लोग वोटर्स का जो रुझान है वो वोट देने के लिए है,
देखिए कुछ एक फैक्टर्स वेस्टर्न यूपी के और हैं जिसकी वजह से जो है शायद इससे ज़्यादा और हो सकता था। एक तो है कि आज जुमे का दिन है तो काफ़ी लोग हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने के बाद आते हैं, तो वो 2 बजे के बाद से फिर से भी 3 बजे से जो है वो हम देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि 35% किसी भी हालत में कहीं भी अगर इस तरह की वोटिंग हो जाती है 12-1 बजे तक तो उसको कम नहीं माना जा सकता है, वो नॉर्मल से ज़्यादा ही है। तो और इसका जो असर है डेफिनेटली जो जिस तरह के वहाँ का जो वेस्टर्न यूपी का इस बार जो काफ़ी चुनाव में कम से कम और कहीं किसी जगह का गहमा गहमी रही ना हो वेस्टर्न यूपी में काफ़ी रहा है, वहाँ हम लोगों ने ये भी देखा कि पार्टी के प्रत्याशी को कई बार कई जगह अपने ही लोगों से उनको परेशानी हुई और उनको कई बार दौड़ाया भी गया, इस तरह की चीज़ें भी हमें काफ़ी देखने को मिला। और ऐसा चीज़ जो है कैराना मुजफ्फरनगर वगैरह कई जगह जो है हम देखते रहे हैं। तो इन चीज़ों का असर जो है पार्टी के जो भी हैं जिस भी पार्टी के होते हैं उसके इंटरनल उस पर ज़रूर असर पड़ता है। और जो खास करके अगर किसी भी पार्टी में इस तरह से खुल के जो विरोध सामने आता है तो वहाँ पर ये मान के चलना चाहिए कि पार्टी के लोग ही अंदर से कोई ना कोई भीतरघात करते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप ले लें उसमें जो अगर वोटर्स ज़्यादा निकल के आ रहा है तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वोटर्स किस वजह से आ रहा है, क्या ज्यादा वोटर्स निकले ये अपील भी की जा रही है। बने रहिए सर हमारे साथ, ठीक है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कैराना में 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं 37.92% मतदान दर्ज किया गया है। सहारनपुर में 1 बजे तक 42.35% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि पीलीभीत में 1 बजे तक 38.48% मतदान हुआ है। बिजनौर में 1 बजे तक 35% मतदान दर्ज किया गया है। ये बारी बारी से हर एक सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 1 बज चुका है और तब तक वोटिंग परसेंटेज क्या है, किस सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो आइए आपके सामने, कैराना में 37.92% मतदान हुआ है, सहारनपुर में 1 बजे तक 42.35% मतदान, पीलीभीत में 1 बजे तक 38.48% मतदान, जबकि बिजनौर में 1 बजे तक 35% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज शाम 6 बजे तक और भी बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछली बार का रिकॉर्ड रहा था वो उम्मीद है कि इस बार टूट जाएगी, क्योंकि शुरुआत में जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी तो तेजी के साथ वोटर्स पहुंचे थे पोलिंग स्टेशन पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अभी दोपहर का वक्त है, जुमे की नमाज अदा करने के बाद जैसा कि हमारे गेस्ट भी जानकारी दे रहे थे कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए भी लोग गए हुए होंगे, इसके बाद ये आंकड़ा शाम को और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अलग अलग मुद्दे हैं, खासतौर पर विकास का मुद्दा इस चुनाव में नजर आ रहा है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसके पक्ष में माहौल जाएगा, उधर इंडिया गठबंधन को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता उनके साथ जाएगी, लेकिन कौन बाजी मारती है ये देखना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, 1 बजे का जो ये आंकड़ा सामने आया है, शुरुआत में हमने देखा थोड़ी तेजी नजर आई, बीच में थोड़ा कम वोटर्स निकले और अभी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल परसेंटेज को अगर देखें तो आपका नजरिया क्या कह रहा है? देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 बजे तक करीब 37% तक का जो मतदान है वो हो चुका है। और जैसा कि ये बता दूं मैं आपको कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो कि मैं रामपुर में मौजूद हूं, और रामपुर हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, यहां पर 2 बजे के बाद चूँकि नमाज़ अदा होती है, जुमा है आज, तो ऐसे में 1 से 2 नमाज अदा करने के बाद जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो गाँव इलाका है वहाँ पर भी वोटर्स अभी नहीं निकले हैं। वजह ये है कि इस वक्त जो है चूँकि फसल जो है तैयार चुकी है तो ऐसे में गेहूं काटा जा रहा है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड जीरो पर जो है थोड़ा सा देखने को मिल रही हैं। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जो है तेजी आएगी। और अभी तक अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो अभी तक जो आए हैं बिजनौर में 36% के आसपास का वोटिंग हो चुका है, कैराना में 38% के आसपास हो चुका है, मुरादाबाद में 35% के आसपास हो चुका है। हम सबसे कम अगर बात करें तो रामपुर में भी है, और रामपुर में हमने देखा कि करीब 33% के आसपास का जो वोटिंग प्रतिशत है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी ये उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास जो है वो जनता पास होगी, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 बजे के बाद और तेजी आएगी। अभी हालांकि देखिए मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको 2-3-4-5 लोग तो जरूर दिखाई पड़ेंगे, कि इसके अलावा जो कतार है वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। सुबह जरूर कतारें दिखाई दे रही थी जब दोपहर में 9 बजे के आसपास, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी कतारें जो हैं वो नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये तस्वीर हो सकता है कि
कि 2:30 से 3 बजे के बाद जो है बदले, क्योंकि उस वक्त जो है तमाम जो लोग हैं वो नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर आएँ और अपना जो वोट है वो काश करें। तो फिलहाल अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो करीब अगर हम देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि सहारनपुर का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 42.32 तक पहुँच चुका है। मतलब आप देखिए कि अगर एक घंटे का और हम अगर बात कर लेते हैं तो वो 2 बजे तक करीब 50% तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि तमाम जगहों पर मतदाता जो है बहुत जागरूक है, लेकिन अभी कई जगह ऐसी है जहां पर मतदाता अपने घरों से नहीं निकले, जिसमें रामपुर भी है। अभी भी कई लोग जो है घरों से नहीं निकले हैं। रामपुर में 32.86% है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कैराना में भी आप देख सकते हैं कि 37.92% जो है वो मतदान हुआ है। इसके मुजफ्फरनगर में 34.51 जो है मतदान हुआ है। नगीना में अच्छी वोटिंग कह सकते हैं, पीलीभीत में भी लगभग उसी तरह से ही है, 38.5, नगीना में भी 38.5 जो है, रामपुर में सबसे कम है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ लोग निकलेंगे, लेकिन देखिए आप महिलाओं की तादाद आपको हर जगह पे दिखाई पड़े कि महिला जो है वो निकल रही है, यहाँ तक कि जो है दिव्यांग जो है वो निकल रहे हैं वोट करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा और हम भी लोगों से अपील करेंगे, जो लोग अपने घरों में हैं वो घर से निकलें, अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। तो लोगों को अब समझना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से जब अपना जो नेता चुनेंगे तब आप उससे तमाम चीजों को लेकर जो है दावा कर सकेंगे, उससे उसकी याद दिला सकेंगे, लेकिन अगर आप घर से नहीं निकले, वोट नहीं किया, तब शायद आप इस बात से भी जो है आप कोई हक नहीं होगा कि आप अपने नेता को किसी भी चीज के लिए, किसी हक, किसी उन्नति के लिए या विकास के लिए आप जनता से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि ये भी जानकारी जैसे विशाल भी बता रहे हैं कि अब किसानों का अभी इस वक्त जो कटाई का सीजन है वो भी चल रहा है, हो सकता है किसान धीरे धीरे बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवाजी जी। सर ये बताइए, क्या अभी आप इस वोटिंग परसेंटेज को कैसे देख रहे हैं? अगर सहारनपुर की खास बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा देखा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है अभी दोपहर के बाद अगर ये वोटिंग परसेंटेज 50 के ऊपर पहुंचता है तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं मानता हूं कि सहारनपुर में जो वोटिंग हुई है, जो 42% के करीब, लगभग कही 43% की जो वोटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है। और जगह जो है एवरेज हम देख रहे हैं कि 45% तक। अगर यही रुझान रहा तो सहारनपुर में उम्मीद यही है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी। इसका मतलब ये, देखिए, जब भी वोटर्स तभी वोट देने ज़्यादा आते हैं जब उनके सामने कोई मुद्दा खड़ा होता है। कई बार आप देखिए, इस बार जो है एक चीज़ जो हमें देखने को मिला कि वोटर्स जो है बोल नहीं ज़्यादा रहा है, पर उनके सामने ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं होते, जिन मुद्दों पर भी होगा। देखिए, मुद्दे अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो इसके अलावा जो मुद्दा है महंगाई के साथ बेरोजगारी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि कौन किस तरफ से वोट दे रहा है, ये देखने की बात है, और उसी पे जो है पूरा जो माहौल बन रहा है। तो माहौल कैसे बन रहा है, यानी कि दो तरह से लोग शायद माहौल बना रहे हैं। मोदी और योगी की जो एक पहुँच है वो एक अपने आप में एक ब्रांड है, उसके हिसाब से डेफिनेटली वोटिंग हो रही है यहाँ। और उसके जो है कई जो ऐसे हैं जो विपक्ष के उसमें, क्योंकि विपक्ष में, देखिए विपक्ष में सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि विपक्ष जो है जिस तरह से वोटर्स तक पहुंचना चाहता उस तरह से नहीं पहुंचा। उसके बावजूद अगर ये मान के चला जाए कि सारे वोट तो एक तरफ नहीं जा रहे होंगे तो उसके तरफ भी कुछ जा रहे होंगे, तो ये मुद्दे जो हैं उस पर कामयाब होगी और उसको हमें देखने को मिलेगा। जब ही थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर शिवाजी जी, लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी की जो स्थिति है यहाँ पर थोड़ी वीक रही थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत तेजी के साथ प्रचार किया, बहुत सारे दिग्गज भी वहां पहुंचे, आरएलडी के साथ इनका गठबंधन भी हो गया और इधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है पश्चिम क्षेत्र में? देखिए, एक चीज का फायदा तो जरूर होता है कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट हो या कैंडिडेट के नुमाइंदे अगर जाकर वहां प्रचार करते हैं तो उसका फायदा जो है वोटर्स को निकालने में होता है, वोटर्स के साथ एक कनेक्टिविटी होती है। और उसके जगह अगर आप देखें तो अपोजिशन की तरफ से समाजवादी या कांग्रेस जो है उतने उस तरह से जो उतने एक्टिवली जो है वोटर्स के पास उस तरह से नहीं पहुंचे, तो उसका क्या असर होगा नहीं होगा वो देखने की चीज़ है। पर ये डेफिनेटली होता है जब आपका कनेक्शंस होता है, कई बार लोग जो है
इसलिए नहीं वोट देते हैं कि वो पार्टी को ही पसंद करते हैं, पर पार्टी का कोई नुमाइंदा आया, कोई आया तो लगता है कि हाँ हम उससे जुड़े हुए हैं, तो वो एक जुड़ाव सा होता है, उसके वजह से लोग वोट देते हैं। तो यहाँ भी ये चीज़ें हो सकती है, ये कहना कि वोटिंग एक तरफा हो रही है आज की तारीख में, ये कहना कुछ जाती होगी, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कि बक्से के अंदर कौन कैसे वोट डाल रहा है, तो वो चीजें तो जब बक्से खुलेंगे तभी हमें पता चलेगा। सर रब्बानी, हमारे साथ लगातार ये चर्चा जारी रहेगी और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।